हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मल्टीपल वर्कशीट्स के डाटा को कंबाइन करके एक मास्टर फाइल बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों, ये बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती ही रहती है जहां पर भी हम डाटा से रिलेटेड वर्क करते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। इस काम को करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट तरीका है या क्या है, ठीक है। लेकिन मैं उन फंक्शंस के बारे में बात नहीं करूँगा जो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है, जो मैंने कवर ही नहीं किए हैं। हम डाटा कंबाइन करेंगे, एक मास्टर फाइल भी बनाएंगे, वो केवल उसी नॉलेज के साथ बनाएंगे। जितनी भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं अभी तक, जितना भी मैंने बताया है, उन्हीं सब फंक्शंस का यूज करके कम्बिनेशन में हम इस काम को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बार अपने चैनल का इंटरफेस दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। आप प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये फ़िल्टर फंक्शंस वीडियो है दोस्तों, इसमें फ़िल्टर फंक्शन से रिलेटेड मैंने जितना भी अभी तक बताया है आपको, वो दोनों वीडियोज़ भी इसी के अंदर हैं, ठीक है। और ये जो अभी वीडियो मैं करंटली बना रहा हूँ वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये गूगल शीट ऑल फंक्शंस, जिसमें सभी के सभी फंक्शंस जितने भी मैंने गूगल शीट के अभी तक कवर किए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और गूगल शीट बिगिनर गाइड, ठीक है, यहाँ पर बिगिनर्स के लिए है ये। और ये वी लुकअप एग्जाम्पल्स और एरे फॉर्मूला का यूज़ करके ये दो प्लेलिस्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये गूगल शीट ट्यूटोरियल्स वीडियो, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जितनी भी मैंने अभी तक बनाई है गूगल शीट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ डाटा है आपका। यहाँ पर सेल्स 2018 करके एक टैब है, या इसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ डाटा है, मतलब 2018 में किस सेल्स पर्सन ने किस रीज़न में कितनी क्वांटिटी सेल की थी, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, इन कैटेगरीज में। सेम डाटा दोस्तों मेरे पास 2019 में भी है, ठीक है। मतलब सेम इन द सेंस कि क्वांटिटी, रीज़न, सेल्स पर्सन थोड़े से डिफरेंट हैं। और उसके बाद मेरे पास है सेल्स 2020 का डाटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मेरे को जो है इन तीनों शीट्स का डाटा कंबाइन करके एक मास्टर फाइल बनानी है, ठीक है दोस्तों। आपने देखा तीनों शीट्स में हेडर सेम ही है, ठीक है। और इनको यूज़ करके मेरे को एक मास्टर डाटा बनाना है। तो किस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको एरेज के बारे में बताया था। एरेज में हम अपनी खुद की एक नई रेंज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन रेंज जो हमने बिल्ड की है उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और नहीं तो ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियोस पर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एरे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको, और फिल्टर्स की जो दोनों वीडियो मैंने पहले बनाई हुई हैं, ठीक है, जैसे आपने मैंने आपको इसमें बताया फ़िल्टर फंक्शन वीडियो, इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको फ़िल्टर और एरे का जो है कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो पे आए हैं, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे 2018 वाली शीट का डाटा कंबाइन करना है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था एरेज के थ्रू हम किस तरीके से रेंज को बिल्ड करते हैं, या फिर हमें दूसरी शीट पर डाटा भी चाहिए तो हम कैसे लेकर आते हैं। हम लगाएंगे इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आपके लिए कर देता हूँ। कर्ली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट किया और ये मैं 2018 वाली शीट पे गया, और यहाँ से मैंने जो है डाटा सेलेक्ट किया। और दोस्तों हैडर को मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, हैडर मेरे ऑलरेडी वहाँ पर हैं शीट के अंदर। और ये मैंने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया और ये मैंने मारा एंटर। तो दोस्तों अब क्या हुआ, अब मेरे पास 2018 शीट का डाटा जो है मास्टर वाली फाइल के अंदर आ गया, ठीक है।
ये 2018 का डाटा आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे 2019 का डाटा चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एरे में कोई रेंज बिल्ड करते हैं तो अगर हमें वैल्यूज़ को कॉलम वाइज चाहिए तो हम लोग जो है कोमा लगाते हैं, अगर मुझे वैल्यूज़ मल्टीपल कॉलम्स में चाहिए, और अगर हमें रो के अंदर चाहिए तो हम लगाते हैं सेमी कोलन। ठीक है, तो अभी तक पीछे की वीडियोस में मैंने ज़्यादातर कॉलम्स में यूज़ किया था, मैं आपको सेमी कोलन का भी यूज़ यहाँ पर बताता हूँ। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर तो 2018 वाली शीट का डाटा मेरे पास आ गया है, ठीक है, मास्टर के अंदर। अब इसके नीचे मुझे चाहिए 2019 का डाटा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे, F2 मैंने किया, ठीक है, फिर मैंने लगाया सेमी कोलन। अब इसके नीचे एक और नई रेंज मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि ये मैंने कर दिया, ठीक है, हेडर रो को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, हेडर ऑलरेडी वहाँ पर है, और ये मैंने मारा इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, आपने देखा कि 2018 और 2019 का डाटा दोनों एक साथ आ गया, एक के नीचे एक। अब हमें सेल्स 2020 वाली शीट का डाटा भी जो है इसके अंदर चाहिए, तो सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे जैसे कि अभी तक हमने किया है। मैं फिर से सेमी कोलन लगाऊंगा, मुझे इसके नीचे 2020 वाली शीट का डाटा चाहिए, तो ये मैं 2020 वाली शीट पे गया और ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये मैंने मार दिया इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, तीनों शीट का डाटा कंबाइन हो गया, ठीक है, कंबाइन हमने कर लिया है विद दी हेल्प ऑफ एरे। लेकिन दोस्तों अभी इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले बार पे अगर आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सेल्स 2018 A2 से लेके A13 तक का मैंने डाटा सेलेक्ट किया था, ठीक है, मैं 2018 पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 13 रो तक डाटा है, वो मैंने कंबाइन कर लिया। सेकंड शीट में मैंने A2 से लेके E9 तक का डाटा सेलेक्ट किया, तो ये सेकंड शीट पे मैं आ गया। यहाँ पर 9th रो तक डाटा है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सेल्स 2020 के अंदर जो है आपकी रोज जो है 15 हैं, तो मैंने यहाँ पर 15 तक का सेलेक्ट कर लिया, A2 से लेके A15 तक। अब दोस्तों डाटा तो तीनों की तीनों टैब्स के अंदर या तीनों की तीनों वर्कशीट के अंदर A2 से ही स्टार्ट हो रहा है, बट जो एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। मतलब रियल में भी ऐसा होता ही है कि तीनों शीट्स का डाटा सेम नंबर ऑफ रो पे कभी ख़त्म नहीं होता है। और दोस्तों ये डाटा जो है 13 के बाद 14 भी होगा, 15 भी होगा। तो ये जो भी तरीका मैंने आपको बताया, ये जस्ट दिखाने के लिए था, ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है डाटा को कंबाइन करने का। क्योंकि अब दोस्तों होगा क्या, जैसे सेल्स 2019 A2 से लेके E9, ठीक है, ये है, और ये A2 से लेके E15 तक का डाटा हमने सेलेक्ट किया, तो अभी 35 रो आ रही है मेरी टोटल, ठीक है। अब मैं सेल्स 2020 में एक रो और कॉपी कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सेम ही कॉपी कर दी आपको दिखाने के लिए, ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं इसको मैं कीवी डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कीवी डाल दिया। तो अब ये देखिए दोस्तों, आप मास्टर फाइल में आएंगे तो आपको कीवी वाला डाटा यहाँ पर इंक्लूड होकर नहीं मिलेगा। रीज़न आप समझ ही गए होंगे कि हमने जो है अपनी रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, हमने A15 तक की रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो A15 की रेंज में जितना भी डाटा होगा वो कंबाइन कर देगा, उसके बाद डाटा जो है बढ़ेगा तो ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा, जो कि दोस्तों एफिशिएंट तरीका नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है, डाटा को कंबाइन करने के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए कि मैं जब भी डाटा इंक्रीज़ करता रहूँ तो वो जो है इनकॉर्पोरेट करता रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसमें दोस्तों एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 13 हटा दूँ फॉर एग्जांपल, एंड रो को मैं ड्रॉप कर दूँ, ठीक है, तीनों जगह से, मतलब ये 2019 का जो डाटा यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, इसमें 9 हटा दूँ और सबसे लास्ट वाले में मैं A15 हटा दूँ, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, मैंने मारा एंटर,
ये इसने डाटा तो ले लिया, डाटा कंबाइन कर दिया, लेकिन दोस्तों इस मेथड में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? जो डाटा हमने 2019 का और 2020 का इंक्लूड किया था वो कहाँ गया? अभी आप देखो 13 रो के बाद, जैसे आपका 2018 वाली मैं शीट में जाता हूँ, ये फ्रूट्स, ऑरेंज, साउथ, शुभम, ये जो डाटा आ रहा है आपका यही दिख रहा है मास्टर पे, लेकिन इसके बाद का डाटा तो हमने कंबाइन किया था, फॉर्मूले में भी डला हुआ, वो कहाँ गया? वो दोस्तों सबसे नीचे है। अगर आप कंट्रोल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1000 रो के बाद ये वो वाला डाटा आ रहा है दूसरी शीट का, उसके बाद फिर मैं कंट्रोल डाउन करूंगा 2000 रो पर आ रहा है। पर दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, इसने क्या किया, A2 से लेके E तक, E में हमने एंड रो को ड्रॉप कर दिया, तो इसने क्या किया पूरी नीचे की ब्लैंक रोज को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो देखिए दोस्तों 1000 तक जो है, 1000 रो मेरी आ रही है सेल्स 2018 पर, वो इसने जो है अपने फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर ली। अब 1000 रो तक देखिए दोस्तों ब्लैंक है, 1000 के बाद जो है 2019 वाली शीट का डाटा चालू होता है, ठीक है। इस वाली शीट में भी जो एंड रोज हैं वो 1000 ही है, तो इसने 1000 रो को फिर इंक्लूड कर लिया। तो दोस्तों ये ब्लैंक रो को इंक्लूड कर रहा है, हमें तो ब्लैंक रो चाहिए ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि डाटा जैसे जैसे 2018 में, 19 में, 20 में, या जितनी भी शीटें बने उन सब में जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होता रहे, वो एक के नीचे एक हमें दिखाता रहे अपेंड होकर, बट ब्लैंक रोज नहीं चाहिए जैसे अभी आ रही है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अब इस चीज़ को हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मूले को अभी के लिए आपके सामने कट कर दिया, और उसको जो है थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ डाल दिया, दूसरे कॉलम्स में डाल दिया, ठीक है। और अब मैं यूज़ करूँगा फिल्टर फंक्शन का। ये फिल्टर फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले पहले वाली शीट का डाटा कॉपी किया, और ये फिल्टर मैंने यहाँ लगाया फिल्टर, और ये मैंने पहले वाली शीट का डाटा कॉपी कर दिया। और दोस्तों कर्ली ब्रेसेस में लगा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहता है एरे के बारे में, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। सेल्स 2018 का डाटा कॉपी हो, लेकिन अब कंडीशन दोस्तों ये मेरे से पूछ रहा है, कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन मैं दूंगा कि सेल्स 2018 में ए कॉलम, आप कोई सा भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डाटा है वो हर एक कॉलम के अंदर है, जब डाटा किसी एक कॉलम में नहीं है तो बाकी में भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि डाटा जो है ए 2018 में A2 से लेके ए, यानी कि पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया कि अगर इस पूरी रेंज में कहीं पर भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए उस, तो डाटा को जो है कंबाइन करे। तो ये मैंने मार दिया दोस्तों एंटर। तो अब होगा क्या दोस्तों, इस अब मैंने दोस्तों कॉलम ए क्यों लिया है, आप चाहें तो दोस्तों कॉलम बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, पर मेक श्योर दोस्तों आप ऐसा कॉलम का रेफरेंस यहां पर दें जो जिसमें आपको पता हो कि ये वाला कॉलम कभी ब्लैंक नहीं होगा, यहाँ वैल्यू हमेशा होगी। पर अगर आपको लगता है कि आपके इन पांचों कॉलम्स में कोई भी कॉलम पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक हेल्पर कॉलम जो है क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आप सीरियल नंबर या कुछ ऐसे करके डाल सकते हैं, जिसमें आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ हमेशा वैल्यू रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो वाला कॉलम जो है यहाँ पर लेना है। तो मैंने 2018 के अंदर क्या डाल दिया कि A2 से लेके A, यानी इस पूरी रेंज में कहीं पर भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वो डाटा हमें चाहिए। तो दोस्तों ये हमने डाटा कंबाइन कर लिया 2018 का, ठीक है, फिल्टर फंक्शन से। अब एक फिल्टर और हम दोस्तों लगाते हैं, सेम ही चीज़ रहेगी, बस शीट का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आप दोस्तों देखें जो डाटा हमारा आ रहा है वो ए से लेके ई कॉलम तक आ रहा है, हर एक शीट में सेम ऐसा ही है, ए से लेके ई तक, केवल एक शीट का नाम चेंज है, सेल्स 2018, दूसरी शीट का नाम
सेल्स 2019 और सेल्स 2020 है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे के फिल्टर फंक्शन को जो है कॉपी कर सकता हूँ। मैंने पूरा पूरा फिल्टर फंक्शन कॉपी कर लिया दोस्तों, ठीक है, और बाहर लगा दिया कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हम एरे यूज़ कर रहे हैं। एरे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेंज हम डालते हैं, तो फिल्टर फंक्शन से मुझे एक रेंज मिली, वो मैंने ले ली कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब उसके नीचे मेरे को दूसरी शीट का डाटा चाहिए, तो मैंने फिल्टर फंक्शन को दोबारा से पेस्ट कर दिया, और यहाँ क्या किया दोस्तों, मैंने 18 की जगह अब 19 कर दिया, ताकि ये 19 वाली शीट का डाटा जो है उठाए अब, ठीक है, उसमें भी सेम कंडीशन। और दोस्तों एक और सेमी कोलन लगाया और फिर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसमें मैंने 18 की जगह 20 कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये मैंने 2020 कर देता हूँ यहाँ पर, और ये कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपका तीनों शीट का डाटा जो है इसमें मर्ज हो गया है, ठीक है, कोई ब्लैंक बीच में नहीं आ रहा है, जो कि इस फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम थी। अगर आप देखें तो ये नीचे देखिए ब्लैंक आ रहा था, और हम इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है हमने तीन फिल्टर फंक्शन लगाए हैं डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के डाटा को कंबाइन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और मैं इस फॉर्मूले को अब यहाँ से हटा देता हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके से आप डाटा को कंबाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें होगा क्या, आप देखिए जैसे ही आप डाटा इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर वाली शीट में जाता हूँ, यहाँ पर 35 रो मेरी लास्ट रो है, यानी कि सेल्स 2020 का जो डाटा है वो आ रहा है ड्राई फ्रूट्स एप्रिकॉट 680 साउथ आर्यन, ठीक है। अब मैं इसमें एक रो और इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप मास्टर में देखें तो 35 रो तक डाटा आ रहा था, अब मैंने यहाँ डाल दिया कैटेगरी फ्रूट्स, ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया कीवी, सेल्स पर्सन और वो क्वांटिटी मैं चलो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सेल्स पर्सन वही है क्वांटिटी वही। अब मास्टर में देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में एक रो और आ गई है आपकी फ्रूट कीवी करके, ठीक है। जैसे जैसे आप डाटा इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपकी मास्टर फाइल में भी डाटा अपडेट होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन और एरे, ठीक है। तो कितना डायनेमिक फंक्शन है दोस्तों, और इसके पहले भी मैं आपको दो वीडियोस पहले बनाकर दे चुका हूँ फिल्टर के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस तरीके से वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, ठीक है दोस्तों। इस काम को करने के, डाटा को मर्ज करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन हम ये नहीं कर रहे हैं कि कौन सा बेटर तरीका है, हम केवल जो अभी तक हमने सीखा है उसके बेसिस पे हम क्या क्या कर सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करके, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और दोस्तों जैसे 2018 का डाटा आपने देखा, 2018 का जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है आपका यहाँ तक, अगर आप देखें तो कितनी रोज़ हैं यहाँ पर, 13 रो हैं, फ्रूट्स ऑरेंज 1200 साउथ शुभम, ठीक है। तो मास्टर में आपको 14 रो पर यह डाटा दिखेगा, ये रहा, सॉरी 13 रो पर यह डाटा दिखेगा, ठीक है। तो मैं इस रो को जो है कलर कर लेता हूँ, इस रो को मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, ये कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इस आपके लिए कलर कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। अब मैं 2018 में जो है एक डाटा कुछ और भी डालता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने मैंगो उठाया और यहाँ मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैंगो की जगह दोस्तों मैं यहाँ डालूँगा स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और यहाँ 400 डाल दिया मैंने, और सेल्स पर्सन मैंने आर्यन डाल दिया, ठीक है। अब आप मास्टर फाइल में आकर देखिए, जहाँ पर मैंने डाटा डाला था उस 14 रो के अंदर जो है आपका स्ट्रॉबेरी 400 ईस्ट आर्यन ये ऐड हो गया। तो दोस्तों आप किसी भी फाइल में आप डाटा अपडेट करते रहिए, बस आपने एक बार अगर फॉर्मूला लगा दिया है तो बस ये आपका डाटा जो है ऑटोमेटिकली ऐड करता रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मैंने तीन टैब्स यूज़ की थी या तीन वर्कशीट यूज़ की थी 2018, 19, 20। अगर आपके पास और भी वर्कशीट है तो आप जो है उतने ही फिल्टर लगाकर उसको भी इस रेंज के अंदर सेमी कोलन लगा के उस रेंज को आप इंक्लूड कर सकते हैं और आपका फंक्शन जो है चल जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से आप मल्टीपल शीट्स का डाटा कंबाइन करके एक मास्टर फाइल बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है और आप मेरी हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके की मैं वीडियोस आपके लिए आगे लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।